हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिंग यंग माइंड्स। आई एम मनीषा परिहार और इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स के 15 एमसीक्यूज। ये पार्ट 1 है, इसका एक और पार्ट मैं बनाऊंगी जिसमें और 15 एमसीक्यूज होंगे। आप इन एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए, असेस कीजिए कि आपको चैप्टर कितनी अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर आपने अभी तक चैप्टर नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए जिसमें मैंने चैप्टर को एक्सप्लेन किया है। चैप्टर को अच्छी तरह से समझिए, उसके बाद ही इन एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए। अगर आप कुछ एमसीक्यूज को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको चैप्टर को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। फिर से चैप्टर को अच्छी तरह से समझिए और इन एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। बट बिफोर दैट, डू सब्सक्राइब टू एजुकेटिंग यंग माइंड्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, द प्लेस एट विच टू और मोर बोन्स मीट इज कॉल्ड ए कार्टिलेज, बी जॉइंट, सी टेंडन, डी बोथ ए एंड बी। द प्लेस और द पॉइंट जहां दो और दो से ज्यादा बोन्स जो है वो मीट करती हैं, मिलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं। इजी वन, द करेक्ट आंसर इज बी जॉइंट, राइट। जहां पर भी हमारी बोन्स जो हैं, दो और दो से ज्यादा बोन्स आपस में मिलती हैं, वो हैं हमारी बॉडी के जॉइंट्स, राइट। हम ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, टाइप ऑफ जॉइंट इन विच राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इन टू द कैविटी ऑफ द अदर बोन इज कॉल्ड एज ए पिविटल जॉइंट, बी हिंज जॉइंट, सी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, डी फिक्स जॉइंट। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज सी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ही है जिसमें एक बोन के एंड में एक राउंडेड स्ट्रक्चर होता है और वो फिट होता है इन द कैविटी या फिर खाली जगह या हॉलो स्पेस ऑफ अदर बोन, इसलिए हम इसे कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, हिंज जॉइंट इज प्रेजेंट इन डैश। हिंज जॉइंट कहां प्रेजेंट है? ए एल्बो नी, बी नी एंड शोल्डर, सी शोल्डर एंड हिप, डी नेक एंड एल्बो। करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज ए एल्बो एंड नी। हिंज जॉइंट जो है वो प्रेजेंट है हमारी एल्बो में और हमारी नीज में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, स्मूथ टिश्यू दैट कवर्स द सर्फेस ऑफ अ बोन एट अ जॉइंट एंड हेल्प्स टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड एज ए मसल, बी कार्टिलेज, सी टेंडन, डी जॉइंट। द करेक्ट आंसर इज बी कार्टिलेज। हमने पढ़ा था बोन्स के एंड में एक स्मूथ टिश्यू होता है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, मूवमेंट के दौरान फ्रिक्शन नहीं प्रोड्यूस होता, मूवमेंट जो है वो आसान होती है, राइट। तो कार्टिलेज हो गया आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फिक्स्ड या फिर इमूवेबल जॉइंट्स आर फाउंड बिटवीन ए स्कल एंड लोअर जॉ, बी स्कल एंड अपर जॉ, सी अपर जॉ एंड लोअर जॉ, डी स्कल एंड नेक। फिक्स जॉइंट कहां प्रेजेंट है? ओके, सो द करेक्ट आंसर इज बी, आपके स्कल और अपर जॉ के बीच में प्रेजेंट है फिक्स्ड जॉइंट, इमूवेबल जॉइंट। बोन्स जो है वहां मूव नहीं कर सकती। हमने स्कल के बारे में पढ़ा था, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, आर स्केलेटन सिस्टम परफॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हमारे स्केलेटन सिस्टम के क्या क्या फंक्शंस हैं? ए हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ बॉडी, बी प्रोटेक्ट्स आवर इंटरनल ऑर्गन्स, सी गिव शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी, डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर क्या है?
सो द करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव. ये सारे ही फंक्शंस हैं हमारे स्केलेटन सिस्टम के. ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7. बैकबोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए वर्टिब्रल कॉलम, बी स्टर्नम, सी स्पाइन, डी बोथ ए एंड सी. बैकबोन को और क्या क्या कहते हैं हम? ओके, सो द करेक्ट आंसर इज डी, बोथ ए एंड सी. बैकबोन को वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं और स्पाइन भी कहते हैं, इनफैक्ट स्पाइनल कॉलम भी कहते हैं. स्टर्नम किसे कहते हैं फिर? स्टर्नम कहते हैं हम चेस्ट बोन को. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं. द रिब केज प्रोटेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी ऑर्गन्स. आपका जो रिब केज है वो कौन से बॉडी ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है? ए हार्ट, बी लंग्स, सी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, डी बोथ ए एंड बी. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज डी, बोथ ए एंड बी. हमारा रिब केज जो है वो हमारे हार्ट और हमारे लंग्स दोनों को प्रोटेक्ट करता है. ये है हमारा रिब केज और इसके अंदर प्रोटेक्टेड रहते हैं हमारे लंग्स एंड हमारा हार्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मसल्स. मसल्स के बारे में इनमें से क्या इनकरेक्ट है? ए मसल्स वर्क इन पेयर टू मूव अ बोन, बी आर बोन्स मूव बाय द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ आर मसल्स, सी मसल्स कैन ओनली पुश इट कैन नॉट पुल, डी ऑल मूवमेंट इन द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय मसल्स. क्या है जो इनकरेक्ट है? ओके, एक एक स्टेटमेंट देखते हैं. मसल्स वर्क इन पेयर टू मूव अ बोन, इट्स करेक्ट. मसल्स हमेशा पेयर में काम करती हैं टू मूव अ बोन. हमारी बोन्स मूव करती हैं बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ आवर मसल्स, ये भी करेक्ट है. ऑल मूवमेंट इन द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय मसल्स, ये भी करेक्ट है. इनकरेक्ट है ये स्टेटमेंट, मसल्स कैन ओनली पुश, ये गलत है. मसल्स कैन ओनली पुल, दे कैन नॉट पुश. ओके, ये हमने पढ़ा था. तो ये हो गई आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, ए टिबिया, बी फीमर, सी फिब्यूला, डी नन ऑफ द अबव. हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? ओके, सो द करेक्ट आंसर इज फीमर. फीमर या हमारी थाई बोन जिसे हम कहते हैं वो है हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन. ये देखिए, ये है हमारी थाई बोन या फिर जिसे हम फीमर कहते हैं, और ये है हमारी बॉडी की लॉन्गेस्ट बोन. बाकी की जो बोन्स हमने कही टिबिया और फिब्यूला वो हमारी लोअर लेग की बोन्स हैं. ओके, तो लॉन्गेस्ट बोन क्या हो गई आपकी? थाई बोन. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच. ए शोल्डर एंड हिप्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बी लोअर जॉ फिक्स जॉइंट, सी एल्बो एंड नी हिंज जॉइंट, डी नेक पिविटल जॉइंट. इनकरेक्ट मैच आपको बताना है. ओके, तो एक एक करके देखते हैं. हमें पता है हमारे शोल्डर और हिप्स में प्रेजेंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एल्बो और नी में हिंज जॉइंट है, नेक में प्रेजेंट है पिविटल जॉइंट. लेकिन ये वाला ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है. इनफैक्ट आपके पूरे स्कल में एक ही ऐसी बोन है जो मूवेबल है, मूव कर सकती है, जहां फिक्स जॉइंट नहीं है, और वो है लोअर जॉ. ओके, तो ये ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट. लोअर जॉ में फिक्स जॉइंट नहीं है. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ए बॉडी ऑफ एन अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स जॉइंट एंड टू एंड. अर्थवॉर्म्स मूव्स थ्रू रिपीटेड मसल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. सी स्नेक्स मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. डी बर्ड्स फ्लाई बाय फ्लैपिंग ऑफ देयर विंग्स. आपको बताना है इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है.
ओके, सो द करेक्ट आंसर इज सी. सी जो है वो आपकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी सारी करेक्ट हैं. स्नेक्स जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करते, स्नेक्स इस तरह से लूप्स बनाते हुए मूव करते हैं, राइट. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 13, मसल्स आर अटैच टू बोन्स बाय ए जॉइंट्स, बी टेंडन्स, सी कार्टिलेजेस, डी नर्व. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज बी टेंडन्स. मसल्स आर अटैच टू बोन्स बाय टेंडन्स. ये देखिए, हमने पढ़ा था कि मसल्स जो हैं वो बोन के साथ अटैच्ड होती हैं बाय टेंडन्स, ठीक है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बैकबोन. ए, बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे प्लेस्ड वन अबव द अदर. B. Backbone protects spinal cord. C. It runs from neck to hips. D. All of the above. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बैकबोन के बारे में? So the correct answer is D. All of the above. ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं बैकबोन के बारे में. So correct option हो गया all of the above. क्वेश्चन नंबर 15, स्नेल मूव्स विद द हेल्प ऑफ ए शेल, बी होल बॉडी, सी बोथ ए एंड बी, डी मस्कुलर फुट. स्नेल किसकी मदद से मूव कर पाती है? सो द करेक्ट आंसर इज मस्कुलर फुट. स्नेल जो है मूव करती है विद द हेल्प ऑफ इट्स मस्कुलर फुट. ये देखिए, ये है स्नेल का मस्कुलर फुट और इसकी मदद से स्नेल जो है वो मूव करती है. ओके ओके, तो ये थे 15 क्वेश्चंस. अब मैं आपको दे रही हूं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है. सो द क्वेश्चन इज बैकबोन कंसिस्ट ऑफ डैश बोन्स एंड स्कल कंसिस्ट ऑफ डैश बोन्स. ए 22-33, बी 33-22, सी 22-22, डी 33-12. आपको बताना है बैकबोन में टोटल कितनी बोन्स हैं और स्कल में कितनी बोन्स हैं. करेक्ट ऑप्शन जो है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए. ऑलराइट गाइस, ये थे हमारे 15 एमसीक्यूज प्लस वन एक्स्ट्रा एमसीक्यू फ्रॉम द चैप्टर बॉडी मूवमेंट्स. इस चैप्टर का एक और पार्ट आएगा. इन एमसीक्यूज को सॉल्व कीजिए, अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए. एजुकेटिंग यंग माइंड्स को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए. थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे.